दोस्तों, आज का टॉपिक आईपीसी 1860 की महत्वपूर्ण धाराओं से है। ये महत्वपूर्ण धाराएं ऑल ओवर इंडिया में लॉ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि चाहें आप एपीओ या जुडिशरी या एलएलबी या ऑल इंडिया बार काउंसिल्स का एग्जाम या फिर कोई भी लॉ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इन धाराओं की जानकारी होनी ही चाहिए। तो देखते हैं आईपीसी की महत्वपूर्ण धाराओं को। भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं हैं जो कि 23 अध्याय में विभाजित हैं। अध्याय एक है आपका प्रस्तावना इंट्रोडक्शंस के बारे में, जिसमें 1 से 5 तक धाराओं में बताया गया है। इसमें धारा 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका पार्ट है अध्याय 2 सामान्य स्पष्टीकरण जनरल एक्सप्लेनेशन। इसमें धारा 6 से लेकर 52 तक में परिभाषाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें से इंपॉर्टेंट धारा है आपकी धारा 8 है लिंग के बारे में, जो कि जेंडर के बारे में परिभाषा देती है, और धारा 10 पुरुष स्त्री के बारे में, मेन एंड वुमेन्स के बारे में डेफिनेशंस को बताती है, चाहे वो किसी भी उम्र की स्त्री हो या पुरुष हो। धारा 11 व्यक्ति के बारे में, जो कि पर्सन के बारे में परिभाषा दी गई है, और धारा 12 में लोक पब्लिक के बारे में परिभाषा दी गई है। धारा 19 में न्यायाधीश जज के बारे में परिभाषा दी गई है, और धारा 20 में न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस, और धारा 21 में लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया है, और धारा 22 में जंगम संपत्ति मोबाइल प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट है आपका 23 सदोष लाभ सदोष हानि रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस के बारे में धारा 23 में बताया गया है, और धारा 24 में बेईमानी डिसहोनेस्टली, और धारा 25 में कपटपूर्वक फ्रॉडेंटली, और धारा 26 विश्वास करने का कारण रीजन टू बिलीव, और 27 में पत्नी लिपिक सेवक के कब्जे में संपत्ति के बारे में बताया गया है, प्रॉपर्टी इन पजेशन ऑफ वाइफ क्लर्क एंड सर्वेंट्स के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 28 कूटकरण काउंटरफिट के बारे में परिभाषा दी गई है, और धारा 29 में दस्तावेज डॉक्यूमेंट के बारे में परिभाषा दी गई है, और धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है, और धारा 31 में बिल के बारे में परिभाषा दी गई है, और 33 में कार्य और लोप एक्ट एंड ओमिशन के बारे में बताया गया है, और सेक्शन 34 आपका वेरी इंपॉर्टेंट है सामान्य आशय को अक्सर करने में कई व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया है, जो कि संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशंस। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 39 स्वेच्छा वॉलंटरी, और धारा 40 में अपराध ऑफेंस के बारे में बताया गया है, और धारा 41 विशेष विधि स्पेशल लॉ के बारे में परिभाषा दी गई है, और धारा 42 में स्थानीय विधि लोकल लॉज के बारे में बताया गया है, धारा 51 में शपथ ओथ के बारे में बताया गया है, और धारा 52 में सद्भावनापूर्वक कोई भी कार्य किया जाता है गुड फेथ में उसके बारे में परिभाषा दी गई है, और धारा 52 ए में संशय हार्बर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका अध्याय है 3 दंडों के विषय में, इसमें पनिशमेंट के बारे में बताया गया है 53 से लेकर 75 तक में। धारा 53 में बताया गया कि दंड कितने प्रकार के होते हैं, पनिशमेंट्स काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में, और 54 में मृत्युदंडादेश का लघुकरण कम्यूटेशन सेंटेंस ऑफ डेथ के बारे में बताया गया है, और धारा 55 में आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण के बारे में बताया गया है, कम्यूटेशन सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सेक्शन आपका 55 है समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सम्मिलित किया गया है, डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट धारा 55 ये। धारा 57 है दंडाविधियों की भिन्नों के बारे में, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट्स। धारा 57 में जब भी आजीवन कारावास को गिना जाएगा तो 20 वर्ष के समतुल्य गुना जाएगा, परंतु आजीवन कारावास होल लाइफ के लिए होता है, शेष जीवन के प्राकृत काल के लिए होता है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 63 जुर्माने की रकम अमाउंट ऑफ फाइन धारा 63 में, और 64 में जुर्माने ना देने पर कारावास का दंड, जुर्माना नहीं अदा किया जाएगा तो कितना कारावास दिया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट्स ऑफ फाइन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सेक्शन आपका 73 एकांत प्रतिरोध सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बताया गया है, और 74 में एकांत प्रतिरोध की अवधि क्या होगी, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में 3 महीने से अधिक नहीं होगी, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अध्याय है आपका 4 साधारण बात जनरल एक्सेप्शन के बारे में बताया गया है, इसमें धारा 76 से लेकर 176 में प्रावधान दिया गया है। धारा 76 विधि द्वारा आबद्ध कोई भी व्यक्ति विधि के द्वारा आबद्ध या विश्वास करने के आशय से कार्य करता है बाउंड बाय लॉ। धारा 77 न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश के कार्य के बारे में एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। नेक्स्ट है आपका 78 न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य एक्ट डन पनिशमेंट्स ऑफ दी जजमेंट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट। धारा 78 में जल्लाद के द्वारा फांसी दी जाती है, तो धारा 78 में जल्लाद न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में कार्य करता है, तो धारा 78 में जल्लाद को संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79 है विधि द्वारा न्याय निमुख जस्टिफाइड बाय लॉ। नेक्स्ट सेक्शन आपका 80 है विधि पूर्व कार्य करने में दुर्घटना एक्सीडेंट इन
डूइंग लॉफुल एक्ट के बारे में। धारा 81 बताती है कार्य जिससे अपहानिकारित होना संभव है किंतु जो कि आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म्स बट डन विदाउट क्रिमिनेट इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म्स। धारा 81 प्रावधान करती है कि जब भी कोई कार्य किसी बड़ी हानि को रोकने के लिए किया जाता है तो बड़ी हानि को रोकने में छोटी हानि को कारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 82, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य के बारे में प्रावधान दिया गया है। 7 वर्ष से शिशु को पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है किंतु धारा 83 में 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 ईयर्स एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। इसमें 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य के बारे में प्रावधान दिया गया है। यदि शिशु 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम है अगर ना समझ है तो उसको उन्मुक्ति प्राप्त होगी, परंतु यदि वो समझदार है तो उसको कुछ स्थितियों में उन्मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। धारा 84 विकृतचित्त व्यक्ति के कार्य के बारे में प्रावधान करती है। एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड्स। धारा 85 अनैच्छिक मत्तता। ऐसे व्यक्ति का कार्य जो कि अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट्स बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 86, स्वैच्छिक मत्तता। किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कि मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें कि विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। धारा 85 में अनैच्छिक मत्तता के बारे में बताया गया है और धारा 86 में स्वैच्छिक मत्तता। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 90, सम्मत जिसके संबंध में ये ज्ञात हो कि भय या भ्रम के अधीन दी गई है। कंसेंट नाउन टू बी गिवेन अंडर फियर्स मिसकंसेप्शंस। उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति और शिशु की सम्मति को सम्मति नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 95, तो छपानिकारित करने वाला कार्य। एक्ट कॉजिंग स्लाइड हार्म। इसकी एक मैक्सिमम बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमिनिमिस नॉट क्यूरेट लेक्स। विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती है। धारा 96 से 106 तक में प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार के बारे में बताया गया है। ROPD राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 96, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 97, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेक्शन आपका 99 है, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा को कोई अधिकार नहीं है। अधिकार के प्रयोग का विस्तार के बारे में बताया गया है। एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्शन ऑफ ROPD। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100 है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्युकालित करने पर कब होता है। वेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग देयर। 101, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब होता है। वेन सच राइट्स एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म्स अदर देन डेथ। 102 में बताया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार का प्रारंभ और बने रहना। कमेंसमेंट्स एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। तो धारा 100 से 102 के बीच में बॉडी से रिलेटेड हैं और 103 से 105 तक आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो 103 में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्युकालित करने पर कब होता है। वेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड 104 है, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानिकारित करने तक कब होता है। वेन सच राइट्स एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म्स अदर देन। नेक्स्ट सेक्शन 105 है आपका, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना। कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 106, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट्स वेन द इज रिस्क ऑफ हार्म्स टू इनोसेंट पर्संस। नेक्स्ट अध्याय आपका 5 है, धारा 107 से लेकर 120 तक में प्रावधान दिया गया है दुष्प्रहरण के बारे में। अबेटमेंट 107, किसी बात का दुष्प्रहरण, अबेटमेंट ऑफ ए थिंग। 108 में दुष्प्रेरक अबेटर के बारे में बताया गया है। 108A में भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रहरण, अबेटमेंट्स इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। 109 में दुष्प्रहरण का दंड, पनिशमेंट्स ऑफ अबेटमेंट। 114 में अपराध किए जाते समय दुष्प्रहरण की उपस्थिति के बारे में, अबेटर्स प्रेजेंट्स व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। नेक्स्ट अध्याय आपका 5 है, आपराधिक षडयंत्र। इसमें दो धाराएं हैं सिर्फ, 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। धारा 120A में आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा दी गई, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और धारा 120 में आपराधिक षडयंत्र के लिए दंड, पनिशमेंट्स ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट अध्याय आपका 6 है, राज्यों के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट्स।
धारा 121 से लेकर 130 तक में प्रावधानित है। 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, बेगिंग ऑफ अटेम्प्टिंग टू वेज वार एंड अवेटिंग बेगिंग ऑफ वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेक्शन से आपका 124 ए राजद्रोह सेडिशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट धारा है आपकी 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना, कमिटिंग डिप्यूटेशंस ऑन द टेरिटरीज ऑफ पावर्स ऑफ पीस विद द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में आईपीसी के अध्याय 6 तक की महत्वपूर्ण धाराओं को देखा, तो आगे की महत्वपूर्ण धाराओं को अगले भाग में देखेंगे। तो यदि आप कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ से। अगले टॉपिक में महत्वपूर्ण धाराओं के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।